भारत रत्न स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर जी का 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वह पिछले 28 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। लता जी की 8 जनवरी को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार 5 फरवरी को अचानक महान गायिका लता मंगेशकर जी की तबीयत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा हुआ था। मंगेशकर जी की तबीयत बिगड़ने की खबर आने के बाद शनिवार को सिंगर की बहन आशा भोसले और भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी लता दीदी की सेहत के बारे में जानने के लिए पहुंचे थे। करीब 2 घंटे तक अस्पताल में रहने के बाद उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनकी हालत अब स्थिर है और आप सभी लोग दुआ करें। लेकिन इसी बीच आज सुबह ये खबर आ गई कि लता दीदी हमारे बीच नहीं रही।